अकेले यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? अरे पूरी चोरों घर से मर रही है, जाके ऑटो भी तो देख, वरना बच्चा अटक जाएगा। पड़ोसियों के हाथ पैर जोड़े पर कोई कोई नहीं आ रहा है। नजर देश के कोरोना मीटर पर। तमाम हिदायतों और नियमों के बावजूद मरीजों का आंकड़ा यानी कि संक्रमित कोरोना मरीजों की तादाद 1,00,000 को पार कर चुकी है, जो देश के लिए परेशानी का सबब है। एक एक करके आपको बता देते हैं। हालांकि अच्छी खबर इन सब के बीच ये है कि ठीक। मम्मी सुनो ना, मम्मी मत जाओ ना। बच्चे की तो सुनो, जानती हो ना बाहर क्या चल रहा है? तुम्हें तो किसी की कुछ परवाह ही नहीं। बनाकर फकीरों का हम भेस गाले, तमाशाए अहले करम देखते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे आस पड़ोस वाले हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी नहीं। मुझे तो लगता है मैं और मेरा बच्चा तुमसे दूर रहे। रहने तो मुझे इन अंधेरों में गाले, कमबख्त रोशनी में तो अपनों के असली चेहरे नजर आते हैं। तुम मेरा मानोगी या नहीं? अरे 2 महीने काम पे नहीं जाओगी तो भूखे नहीं मरेंगे हम। पैसों के लिए नहीं कर रही है, काम है मेरा। हाँ, फिर चाहे तुम इसे देश सेवा कहो या इंसानियत। झाड़ में जाओ। अरे अरे क्या कर रहा है? देखो भाभी, अब हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। इतना समझाने के बाद भी आप काम पर जा रहे हो है? अरे भैया दूर से बात करो, दूर से बात करो, दूर से। हाँ दूर से। हाँ एकदम सही, मैंने ही कहा था। देखो तुम ना, एक तो ये नौकरी छोड़ो वरना घर छोड़ दो। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम लोगों की क्या जिम्मेदारी? हाँ बोलो बोलो ना। That's too risky यार, how can we live in such a dangerous situation? You please be away from all of us, please. क्या बोले यार तू, क्या सही बोले। क्या भाभी, इतनी बार समझाया, समझने को तैयार ही नहीं हुआ। देखो आखिरी बार समझा रहा हूँ, कल अगर तुम ड्यूटी गई, ये जो गाड़ी है ना, रात में फोड़ दूंगा पूरी। भैया 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 के